गाजियाबाद के पौश इलाके वैशाली सेक्टर 4 में पुरानी और जर्जर हो चुकी 3 हाई राइज इमारतों को गाजियाबाद नगर निगम ने खतरनाक घोषित किया है। इनमें सरयू, मंदाकिनी और अलकनंदा टावर शामिल हैं। नगर निगम ने नोटिस जारी कर कहा है कि इन इमारतों में रहने वालों को मकान खाली करने को कहा। नोटिस देने के बाद इन इमारतों में रहने वाले लोगों में खलबली मच गई है। लोगों ने साफ कर दिया है कि वो घर खाली नहीं करेंगे। जीडीए ने इन इमारतों को 2002 में बनाया था, जिसके बाद इसमें लोगों ने रहना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद वैशाली इलाके को नगर निगम के हैंडओवर कर दिया गया, लेकिन इन इमारतों की देखरेख नहीं हो सकी, जिसकी वजह से 16 साल में ही इमारतें जर्जर हालत में पहुंच गई। नोएडा पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने इस गैंग के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 14 मोबाइल फोन, लैपटॉप, फर्जी ज्वाइनिंग फॉर्म और फोन नंबर की लिस्ट बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह सेक्टर 63 में फर्जी कंपनी के जरिए कई शहरों के लोगों को फोन कर उन्हें नौकरी और लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी करता था। इससे पहले ये गिरोह मेरठ में सक्रिय था, लेकिन केस दर्ज होने के बाद ये लोग नोएडा आ गए और अपना काम शुरू कर दिया। नोएडा में एसटीएफ की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने 50,000 के इनामी बदमाश दीपक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए बदमाश का ताल्लुक बावरिया गिरोह से है। नॉलेज पार्क के पास हुई मुठभेड़ में बावरिया गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 1 बाइक और 2 तमंचे बरामद किए हैं। बावरिया गिरोह के बदमाश कई संगीन वारदात में शामिल रहे हैं। ये लखनऊ, फरुखाबाद और बाराबंकी में डकैती की कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं। इससे पहले एसटीएफ गिरोह के सरगना विनोद बावरिया और 1 लाख के इनामी राकेश कालिया को गिरफ्तार कर चुकी है। कानपुर से गिरफ्तार किए गए हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी से पूछताछ में कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। आतंकी कमर उज जमा के मोबाइल से कई सारे ऑडियो चैट मिले हैं, जिन्हें ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकी लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के थे। स्वच्छता ही सेवा आंदोलन की शुरुआत करने के बाद पीएम मोदी ने दिल्ली के एक स्कूल में झाड़ू लगाई। प्रधानमंत्री पहाड़गंज के आंबेडकर स्कूल में पहुंचे थे। यहां उन्होंने स्कूल में झाड़ू लगाकर सफाई की और बच्चों को स्वच्छता के बारे में बताया। इस दौरान बड़ी संख्या में बच्चे उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान पीएम के काफिले के लिए कोई सिक्योरिटी रूट तय नहीं किया गया था, जिसकी वजह से अंबेडकर स्कूल पहुंचने के दौरान उन्हें ट्रैफिक जाम में भी फंसना पड़ा। वो बिना किसी वीवीआईपी इंतजाम के लिए स्कूल पहुंचे। पीएम मोदी ने आज से स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। पीएम मोदी ने इस दौरान देश की जनता से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता के लिए श्रमदान करने की अपील की। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में 18 जगहों पर स्वच्छता अभियान पार्ट 2 की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 4 साल में देश में स्वच्छता में तरक्की की है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता आदत है और ये स्वभाव में होना चाहिए। पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान में बेटियों के योगदान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश की बेटियों ने स्वच्छता अभियान को ताकत दी है। पीएम ने कहा कि स्वच्छता अभियान ने लोगों की जिंदगी बचाने में मदद की। पीएम ने कहा कि 4 साल में 450 जिले को खुले में शौच से मुक्त हुए, 9 करोड़ टॉयलेट बनाए गए। स्वच्छता ही सेवा है कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने महानायक अमिताभ बच्चन से भी संवाद किया। इस दौरान अमिताभ बच्चन ने लोगों से स्वच्छता अभियान के लिए अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फतेहपुर में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। सीएम योगी हसनापुर सानी गांव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। सीएम ने गांव में श्रमदान भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर के हसनापुर सानी गांव से पीएम मोदी को स्वच्छता अभियान का पूरा ब्यौरा दिया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में बहुत तेजी से अभियान चल रहा है, जिसके चलते हर गांव धीरे धीरे साफ और खुले में शौच मुक्त हो रहा है। इस दौरान पीएम योगी से बात करते हुए उपलब्धियां पूछी। स्वच्छता ही सेवा अभियान में गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। राजनाथ सिंह ने फरीदाबाद में सड़क पर झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता अभियान से जुड़ने की अपील की। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी उनके साथ मौजूद थे। अलीगढ़ में बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान चलाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर झाड़ू लगाई।
और लोगों से अभियान को सफल बनाने की अपील भी की। इस दौरान बीजेपी सांसद सतीश गौतम भी स्वच्छता अभियान के दौरान सफाई के काम में शामिल हुए। हरियाणा के हिसार में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने झाड़ू लगाई और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत लखनऊ में भी सफाई अभियान चलाया गया। शहर के गोमती नगर विराम खंड 2 से अभियान की शुरुआत की गई। बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से अभियान चलाया गया, जिसमें मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। संभल जिले के चंदौसी की पूनम अरोड़ा और उनकी टीम में शामिल महिलाओं ने शहर में क्लीन पार्क क्लीन सिटी मिशन चलाया है और इससे शहर के पार्कों की इस्तेमाल किए जाते थे, अब पूरी तरह साफ सुथरे और हरे भरे हैं। पूनम की टीम हफ्ते में 2 बार पार्क में जाकर सफाई करती है, साथ ही वो लोगों को भी प्रेरित कर रही है। देहरादून में नगर निगम के साथ कई संस्थाओं के कर्मियों ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। साफ सफाई के अभियान में शामिल हुए तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नगर निगम के अपर नगर आयुक्त का कहना है कि 2 अक्टूबर तक ये स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की अपील की गई। स्वच्छता पखवाड़े के तहत बागेश्वर के 65 स्कूलों को डीएम ने सम्मानित किया। पिंगलुए, टकनार, बहुली, कौसानी, चेड़ा समेत 32 विद्यालयों को स्वच्छता अभियान में उनके बेहतरीन योगदान के लिए सम्मान दिया गया। तो वहीं 26 विद्यालयों को 1 सितंबर के बाद से पौधरोपण, सड़क सुरक्षा और बाल स्वास्थ्य से जुड़े अभियान और जागरूकता फैलाने के लिए डीएम ने सम्मानित किया। डीजीपी ओपी सिंह ने गाजियाबाद और नोएडा को डायल 100 दोपहिया वाहन सौंपे। गाजियाबाद दौरे पर आए डीजीपी ओपी सिंह ने बाइकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि अब 100 डायल पर ही लोगों की एफआईआर दर्ज हो जाएगी, जिसका ट्रायल गाजियाबाद और नोएडा से शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि अगर ये प्रयोग सफल रहा तो अगले 6 महीने के अंदर पूरे प्रदेश में इसे लागू करने की योजना है। इस दौरान डीजीपी ने कहा कि प्रदेश में अपराध के आंकड़ों में कमी आई है। 1 जनवरी से 31 अगस्त तक डकैती में 36% की कमी आई है, तो रेप के मामलों में भी 6.58% की कमी आई। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस संगठित अपराध को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। मुजफ्फरनगर में पुलिस के दावों पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। यहां रेप का एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी को डीएनए टेस्ट के लिए पुलिस जिला अस्पताल लेकर आई थी। इस दौरान आरोपी हथकड़ी खोलने में कामयाब हो गया और अस्पताल से फरार हो गया। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। बलरामपुर में नौनिहालों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, इसकी एक वानगी देखने को मिली। यहां के शिक्षक छात्रों को पढ़ाने के सिवाय वो सारे काम करवाते हैं जो उन पर कई सवाल खड़े करते हैं। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में स्कूली छात्र स्कूल में ही ईंटें बिछाते हुए दिखाई दे रहे हैं। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का दूसरा वीडियो भी बलरामपुर से सामने आया। इस वीडियो में 2 छात्राएं अपनी स्कूल की मैडम के कहने पर मिड डे मील का राशन बेचती हुई दिखाई दे रही हैं और उसके बदले सर्फ देने की मांग कर रही हैं। झांसी के सेमरी गांव के पीएचसी की हालत स्वास्थ्य विभाग के दावों पर सवाल खड़े कर रही है। गांव का प्रधान अस्पताल के कमरे को अपने जानवरों का चारा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करता है। डिलीवरी वार्ड में गंदगी इतनी है कि बेड पर कीड़े चल रहे हैं। यहां डॉक्टर के बजाय फार्मासिस्ट लोगों का इलाज करते हैं। रात के वक्त अस्पताल में पशुओं को बांधा जाता है। सीएमओ से इस बारे में बात की गई तो वो बहानेबाजी करते नजर आए। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बड़ी सौगात मिली है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को अब 24 घंटों तक सेवा प्रदान करने का अप्रूवल मिल गया है, जिससे यहाँ आने वाले और जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिलने वाली है। 24 घंटे की सुविधा मिलने से देश के कई हिस्सों में फ्लाइट से आने वाले यात्रियों को किसी भी समय फ्लाइट मिल जाएगी। यही नहीं, यात्रियों की सुविधा के लिए लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तरफ से 5 नए काउंटर खोले जा रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक एयरपोर्ट पर 44% यात्रियों की बढ़ोतरी हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने पुलिस व्यवस्था को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। हाईकोर्ट ने 90 दिन में पूरी की जाने वाली जांच को 21 साल में भी पूरा नहीं कर पाने पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने गृह सचिव, डीजीपी और आईजी जोन लखनऊ को प्रदेश के सभी थानों का ऑडिट करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने हर जांच जल्द और प्रभावी तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने कहा कि पूरी रिपोर्ट संबंधित कोर्ट को भेजी जाएगी। यह आदेश जस्टिस अजय लांबा की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। शामली के रेल पार इलाके में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक युवक को मनचलों ने चाकू से गोद दिया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित युवक की मां का कहना है कि उसका बेटा मनोज लड़कियों से छेड़छाड़ का विरोध कर रहा था, जिसके बाद बाइक सवार मनचलों ने लड़के को बहुत बुरी तरह पीटा और चाकू से गोद कर घायल कर दिया। बागपत के बड़ौत में 3 दिनों पहले हुए पॉलिटेक्निक छात्र की हत्या का मामला तूल पकड़ रहा है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने वारदात का सही खुलासा नहीं किया। गुस्साए परिजनों ने कोतवाली बड़ौत में पुलिस के खिलाफ जमकर हंगामा किया। पॉलिटेक्निक छात्र आकाश 11 सितंबर को घर से कॉलेज के लिए निकला था, इसी बीच उसे अगवा कर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। छात्र का शव बड़का गांव के जंगलों से मिला था। कौशाम्बी में युवक ने एक युवती को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। घटना कौशाम्बी थाना इलाके की है, जहां आरोपी युवक संतोष पर शौच के लिए गई युवती के साथ छेड़छाड़ की कोशिश का आरोप है। युवती ने जब इसका विरोध किया तो युवक ने युवती की छोटी बहन के सामने उस पर चाकू से बर्बरता के साथ हमला कर दिया और फरार हो गया। मेरठ में थाने में एक महिला को उसके पति ने तलाक दे दिया। तलाक देने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो शख्स अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोल रहा है। घटना लेसाड़ी गेट की है। आरोप है कि महिला को उसके पति ने प्रेमी के साथ देख लिया था। इसके बाद ही मामला थाने पहुंचा, जहां पति ने 3 तलाक कहकर रिश्ता तोड़ दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि अगर इस मामले में पीड़ित महिला शिकायत दर्ज कराएगी तो कार्रवाई की जाएगी। राजधानी लखनऊ में स्वाइन फ्लू के 3 मामले और सामने आए हैं। पीजीआई के कर्मचारी और उसके 2 बच्चों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। कर्मचारी और उसके 2 बच्चों को सांस लेने में तकलीफ थी। करीब 3 दिन पहले उनकी जांच हुई तो उनमें स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। मरीजों का घर पर ही इलाज चल रहा है। शुक्रवार को स्वाइन फ्लू से एक व्यक्ति की लखनऊ मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी। इसके बाद से स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है। लखनऊ एयरपोर्ट पर विशेष तौर पर अलर्ट जारी करते हुए संदिग्ध मरीजों की जांच करने के लिए निर्देश दिए गए। बरेली में मलेरिया का कहर जारी है। यहां सैकड़ों लोगों ने पेरसीफेरम मलेरिया के लक्षण मिले हैं। सैकड़ों लोगों से इस बीमारी के लक्षण मिलने से स्वास्थ्य विभाग की टीम सकते में है। ये बीमारी बरसों पहले जड़ से खत्म हो चुकी थी और एक बार फिर से लोगों में इसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं। बरेली में 600 से ज्यादा लोगों में पेरसीफेरम मलेरिया की पुष्टि हुई है। हालात को देखते हुए केंद्र और राज्य की स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें गांव-गांव जाकर लोगों की जांच कर रही हैं। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि अगर किसी को बुखार है तो फौरन जांच करानी चाहिए। प्रतापगढ़ में बदमाशों ने बैंक के अंदर घुसकर करीब 6 लाख रुपए से ज्यादा की डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बैंक डकैती की पूरी वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बदमाशों ने मैनेजर और कैशियर को बंधक बनाया। बैंक के अंदर हुई डकैती की सनसनीखेज वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इन लुटेरों की तलाश में जुटी। सीतापुर में 2 दिन पहले हुई युवक की संदिग्ध मौत के मामले में एसएचओ को लाइन हासिल कर दिया गया। वहीं पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरे मामले को लेकर लखनऊ के आईजी रेंज ने सीतापुर के एसपी को जांच के निर्देश दिए हैं। घटना रामपुर कला थाना इलाके की है, जहां 2 दिन पहले गोविंद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद इस मामले को लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया था। पहले इस मामले में गोविंद की पत्नी के भाई और पिता पर गोविंद को पीटने का आरोप लगा था और मामला थाने तक पहुंच गया। घायल गोविंद को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस पर गोविंद को पीटने का आरोप लगाया और बताया कि पुलिस की पिटाई से ही गोविंद की मौत हो गई। परिजनों की तहरीर पर रामपुर कला थाना प्रभारी सहित कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई। अलीगढ़ के हरदुआगंज में एक के बाद एक 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक ये मामला बेहद पेचीदा साबित हो रहा है। कलई बम्बा आश्रम में सुबह के वक्त बाबा का शव मिला था, जिसके बाद अब आश्रम से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जंगल से पति पत्नी के शव मिले हैं। शक जताया जा रहा है कि तीनों शवों के तार एक ही वारदात से जुड़े हो सकते हैं। हाथरस में NH 93 पर पराग डेयरी के सामने बंद पड़ी पेट्रोल पंप के कमरे से एक विवाहिता का शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि दीपा नाम की महिला पिछले 8 दिन से घर से लापता थी। पुलिस को शक है कि महिला के पति जितेंद्र ने ही उसकी हत्या की है। आशंका जताई जा रही है कि दूसरी शादी की वजह से जितेंद्र ने इस वारदात को अंजाम दिया है। प्रतापगढ़ के भिटारा गांव में जमीन विवाद में चाचा भतीजे की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप गांव के कुछ लोगों पर लगा है। बताया जा रहा है कि
गांव के कोमल सिंह विवादित जमीन पर कब्जा करने पहुंचा था तो अरुण सिंह ने विरोध करते हुए वापस लौटा दिया। यही बात कोमल सिंह को नागवार गुजरी और कुछ देर बाद उसने हथियारों से लैस अपने साथियों के साथ अरुण सिंह के घर पर धावा बोल दिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए शख्स के परिवार और ग्रामीणों ने मुठभेड़ को फर्जी बताकर एक पंचायत की और जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने पंचायत में मांग रखी कि घायल बदमाश लगाए गए केस वापस हो, बड़ा आंदोलन किया जाएगा। महोबा के जैतपुर ब्लॉक में हुए उपचुनाव में सिर्फ एक पर्चा दाखिल होने की वजह से बीजेपी प्रत्याशी रचना सोनी को निर्विरोध चुना गया है। इस जीत से बीजेपी समर्थकों में खुशी की लहर। बलरामपुर में 10वीं के एक छात्र ने खुदकुशी करके जीवन लीला खत्म कर दी। छात्र ने अपने सुसाइड नोट में फेसबुक चलाने को लेकर दो शिक्षकों पर प्रताड़ित करने का आरोप है। नीरज की पीठ पर गहरे जख्म मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपी शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। संबंध में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके प्रेमी के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। जालौन में सुप्रीम कोर्ट के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां तंबाकू गुटखा बिना किसी रोक टोक के बेचा जा रहा है और ये सब प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही। बदायूं के सिविल लाइन थाना इलाके सिरसाठेर गांव के जंगल में घास लेने गई महिला की किसी ने गला रेतकर हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई महिला की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरुखाबाद में बाढ़ के विनाश लीला जारी है। यहां इंसानों के साथ पशुओं में भी बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों के पशु इन दिनों कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो दर्जनों पशु या तो बह गए या फिर बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई। वहीं जो जानवर बच गए हैं अब वो बीमारियों की चपेट में। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से उनके जानवरों के उपचार के लिए कोई पहल नहीं की जा रही। हालांकि इसका बड़ा कारण ज्यादातर इलाकों में मुख्य मार्गों से कटा होना भी है। वहीं अधिकारियों की माने तो सभी को उचित मदद मुहैया कराए जाने के दावे किए जा रहे हैं। वाराणसी के नरूवर प्राथमिक स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने पीएम मोदी को अपना काका बना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के अवसर पर वाराणसी दौरे पर रहेंगे। जगह जगह पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं अपने काका के जन्मदिन को लेकर प्राथमिक स्कूल के बच्चे भी खासे उत्साहित हैं। वो उनके जन्मदिन के अवसर पर उनके लिए ड्राइंग और पेंटिंग कर रहे हैं। कानपुर में आम का एक पेड़ लोगों के अचरज का विषय बना हुआ है। आम का मौसम न होने पर भी इस पेड़ पर आम लग रहे हैं। रेलवे के इलेक्ट्रिक लोको शेड में लगा आम का पेड़ सितंबर के महीने में भी फल दे रहा है। कानपुर में आम की भारी पैदावार होती है लेकिन मॉनसून के साथ ही आम का सीजन भी खत्म हो जाता है। बाजारों से भी आम गायब हो चुका है लेकिन इस पेड़ पर इस मौसम में भी आम के फल लग रहे हैं। मुगलसराय के गांव में मगरमच्छ के आ जाने से हड़कंप मच गया। घटना कोतवाली क्षेत्र के ताहिरपुर गांव की है जहां मगरमच्छ के आ जाने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। इसकी सूचना फौरन वन विभाग को दी गई जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की सहायता से मगरमच्छ को पकड़ा। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने केदारधाम पहुंचकर बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। सरकारी हेलीकॉप्टर से केदारधाम पहुंचे वित्त मंत्री ने भोलेनाथ के धाम पर हो रहे निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात की और विकास कार्यों पर फीडबैक भी लिया। इस दौरान पुरोहितों की तरफ से समस्याओं को लेकर वित्त मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया। राजधानी देहरादून में एक बार फिर से अतिक्रमण की कार्रवाई जारी है। राजधानी के प्रेमनगर बाजार में आज करीब 80 दुकानों को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक दो दिनों में करीब 250 दुकानों को ध्वस्त किया जा सकता है। अतिक्रमण हटाओ अभियान की टीम लगातार शहर से अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रही है। तो वहीं दुकानदार सरकार से अब नई दुकानों को आवंटित करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब उनकी दुकानें ध्वस्त हो चुकी हैं तो सरकार को उनके रोजगार के बारे में भी सोचना चाहिए। उधम सिंह नगर जिले में NH-74 के घोटाले का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। जिले के सितारगंज के ससैया गांव में एनएच अधिकारियों पर मिलीभगत करके घोटाला करने का आरोप लगाया है। गांव में NH-74 की जांच करने आए अधिकारियों पर ग्रामीणों ने सवाल खड़े किए।
ग्रामीणों का आरोप है कि जब NH-74 का निर्माण शुरू हुआ था उस समय दोनों तरफ रोड नापकर लोगों को मुआवजा दिया गया था, लेकिन अब मुआवजा लेने के बाद भी कुछ लोगों ने अपनी भूमि पर निर्माण कर लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि NH अधिकारी उनका निर्माण हटाने की बजाय रोड के दूसरी तरफ बसे लोगों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। पूर्व DGP बी एस सिद्धू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बी एस सिद्धू पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। शासन की रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया गया है। इस मामले में गृह विभाग को भेज दी गई है रिपोर्ट। बताया जा रहा है कि आरोपों की वजह से ही उनकी पेंशन भी रुकी हुई है। पूर्व DGP बी एस सिद्धू पर 9 अप्रैल 2013 को अवैध तरीके से पेड़ों को काटने का आरोप लगा था। इस मामले में उनके खिलाफ 29 अप्रैल 2016 को चार्जशीट तैयार की गई थी। ये पूरा मामला वेलगिरवाली राजपुर क्षेत्र में वन विभाग की जमीन से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड की जेलों में बढ़ती हुई कैदियों की तादाद को देखते हुए जेल विभाग ने उधम सिंह नगर में जिला जेल बनाने का फैसला किया है। उधम सिंह नगर में 2000 कैदियों की क्षमता वाली जेल बनाई जाएगी। IG जेल का कहना है कि प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हो रहे हैं, जिसके मद्देनजर जेल प्रशासन ने नई जेल बनाने का फैसला किया। उत्तराखंड में पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया कदम उठाने जा रही है। अब हर थानों में महिला SI और पुलिसकर्मी तैनात की जाएंगी। ADG लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार का कहना है कि महिलाओं के मामलों में जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इसके लिए महिला SI की तैनाती की जाएगी और इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जा रही है। प्रदेश के 158 थानों में महिला पुलिस की तैनाती होगी। पीड़ित महिलाओं के मामलों की जाँच भी महिला पुलिसकर्मी ही करेंगी। उत्तराखंड में थानों में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी, इसके लिए CCTNS योजना के तहत सिटीजन पोर्टल पर काम किया जा रहा है। इस पोर्टल के तैयार होने के बाद अब लोग घर बैठे ही अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। किराएदारों का सत्यापन, दस्तावेजों की चोरी और मोबाइल चोरी की शिकायत भी ऑनलाइन दर्ज हो सकेगी। पुलिस एक निर्धारित समय में इन मामलों की जांच करके ऑनलाइन सूचना भी देगी। ADG प्रशासन राम सिंह मीणा के मुताबिक कुछ स्थानों में अभी ऑनलाइन कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, लेकिन प्रदेश के करीब 125 थानों में ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराने का इंतजाम किया जा रहा है। उत्तरकाशी के लिए बेहद अहम माने जाने वाले जोशियाड पुल पर हर वक्त खतरा मंडराता रहता है। 1963 में बने इस पुल को लेकर विभाग की तरफ से पहले ही चेतावनी जारी की जा चुकी है और इसके जरिए 16 टन से ज्यादा का वजन ना ले जाया जाए, लेकिन दूसरा कोई रास्ता ना होने से लोगों को मजबूरी में इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। लंबगांव मोटरमार्ग पर बना केदारनाथ यात्रा का भी अहम हिस्सा है। कई आपदा झेल चुके इस पुल की मियाद खत्म हो चुकी है। रुद्रप्रयाग के एक निजी स्कूल में दुर्लभ प्रजाति का उल्लू माने से हड़कंप मच गया। सुबह जब बच्चे अपने अपने क्लासरूम में पहुंचे तभी उन्हें क्लासरूम में दुर्लभ प्रजाति का उल्लू दिखा, जिसे देखने के बाद बच्चे चिल्लाने लगे, जिसके बाद स्कूल स्टाफ ने काफी मशक्कत के बाद उल्लू को पकड़ा। दुर्लभ प्रजाति का ये उल्लू उत्तरी अमेरिका और कोलंबिया में ही पाया जाता है।